के साथ बुशरा, सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 30 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में कृषि कानून और कोरोना का मुद्दा गर्मा सकता है। सत्र के पहले दिन की शुरुआत सदन के दिवंगत सदस्यों हीरा सिंह मरकाम, घनाराम साहू, लाल महेंद्र सिंह टेकाम और पूरन लाल जाकड़े को श्रद्धांजलि देने के बाद की जाएगी। सत्र के दौरान सदन की 7 बैठकें होंगी। आज मुख्यमंत्री 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में धान खरीदी और क्रय केंद्रों में हो रही अनियमितता को लेकर बीजेपी बघेल सरकार को घेरेगी। इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य मंत्री आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, सदन में हंगामे के भी आसार हैं, इसको लेकर के कोई अपडेट अभी तक मिल पा रहा है? देखिए, सदन की कार्यवाही भी शुरू ही हुई है और संजय सुलेखन का उल्लेख सदन के भीतर किया जाएगा और 4 पूर्व दिवंगत सदस्य हैं उन्हें सदन की ओर श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्यमंडला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में जो 7 बैठकें कुल होंगी आने वाले दिनों में, उसकी रूपरेखा किस तरीके से होगी, कौन से विषय किस दिन लिए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। हंगामेदार के मुद्दे पर जिस तरीके से आपने सवाल किया, जरूर ये पहला मौका था कि जब विपक्ष ने करीब 10 दिन पहले ही विधायक दल की बैठक बुला ली थी और उन मुद्दों की फहरिस्त तैयार करने के निर्देश भी तमाम सदस्यों को विपक्ष ने दे दिए थे, जिसके मुद्दे सदन के भीतर सरकार को घेरा जा सके। आज सिलसिला शुरू होगा। निधन के उल्लेख के बाद सदन की कार्यवाही 10 मार्च से स्थगित की जाएगी। उसके बाद प्रश्नकाल से ही विपक्ष का आक्रामक अंदाज देखने को मिलने की पूरी संभावना है। जल जीवन मिशन को लेकर पिछले दिनों जिस तरीके से बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया था और सरकार को बैठक पर जाना पड़ा, टेंडर निरस्त करने पड़े, इस मुद्दे पर सरकार को सदन पक्ष जो है वो पूर्ण तरीके से घेरती नजर आ सकती है। इसके अलावा धान खरीदी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, नक्सल मुद्दा है, अवैध माफिया भू माफिया की सत्ता का मामला हो या शराब का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने 4-54 तैयार कर रखी है सत्ता पक्ष को घेरने के लिहाज से। हालांकि सत्ता पक्ष के तमाम तथ्यों को भी पहले से निर्देश है कि विपक्ष के तमाम आरोपों को तथ्यों के साथ सदन के भीतर खारिज करना है। जी, और आशीष, जैसा कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष भुनाने की कोशिश कर सकता है इस आज के सत्र में, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा? देखिए, मोटे तौर पर जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि आज प्रशासनी में जल जीवन मिशन टेंडर में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी, पूरी जो ग्रेडिंग थी जो सेंटर के नॉर्म थे उसे ध्वस्त करते हुए राज्य ने अपने के नए नियम बना दिए और उन नियमों के तहत टेंडर की प्रक्रिया जो पात्र नहीं थी उसे भी जारी कर दिया गया। तो ऐसे मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जरूर सरकार ने पिछले दिनों इस टेंडर को निरस्त कर दिया था और टेंडर की प्रक्रिया बहाली के निर्देश दिए थे। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी थी। चूंकि ये हजारों करोड़ की अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाज से इसे विपक्ष को जोर तरीके से सदन में उठाने की न केवल कोशिश करेगा बल्कि सदन में सरकार को जवाबदेह की भूमिका में लाने की जो मंशा विपक्ष की होगी, ये देखना होगी सदन में इस पर किस तरीके से विपक्ष के तमाम आक्रामक हमलों का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य और मंत्री देते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि पूरे सत्र के दौरान जो महत्वपूर्ण मुद्दे देखने को मिलेंगे वो धान खरीदी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, नक्सल इशू है, इसके अलावा रेत माफियों की सक्रियता का मुद्दा हो सकता है, शराबबंदी का मुद्दा विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, तो ये मुद्दा भी सदन के भीतर उठते देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं और जैसा कि आशीष हमें बता रहे थे विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें घेरने की कोशिश विपक्ष कर सकता है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो धान खरीदी, शराबबंदी
जैसे मुद्दे जो है वो विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा और उस पर हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें कि 30 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। सीएम 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट भी पेश कर सकते हैं इस सत्र में। और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से कुल 961 प्रश्न लगाए गए हैं जिस पर चर्चा होगी इस सत्र में। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। जिस अहम मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार सबसे ज्यादा बन सकते हैं तो वो मुद्दा है शराबबंदी और साथ ही धान खरीदी। धान खरीदी का मुद्दा हालांकि विपक्ष ने पूर्व में भी बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश की थी और इस सत्र में भी अपनी बात को विपक्ष रखने की कोशिश करेगा।